आपने क्या सोचा है अभी? आपके मन में क्या चल रहा है? कुछ बताएंगे कि भाई हमारे अंदर ये चल रहा है, ये होना चाहिए, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। कुछ अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर करिए, उसको सुन करके हम देखें कि हाँ आपने क्या सोचा है। और फिर हम तो ऐसे आज हम कुछ आपको नया चीज सिखाएंगे, बल्कि सबको सिखाएंगे, बट आप कुछ ऐसा बताइए जी मुझे, क्या आपने सोच रखा है? जी सर, आपकी क्लास करके ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों को आसानी से मैं पढ़ा सकता हूँ। पहली चीज आसानी जो से आप मेरे पढ़ा लिए सकते बहुत, हाँ मतलब बहुत पहले थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगता था कि कैसे हम बच्चों को कन्विंस करेंगे, कैसे उनको बारे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी है और काफी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जिस तरीके से आप वक्त तोड़ तोड़ के जो समझाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि अब जो है मतलब एक ऑफलाइन कंप्यूटर क्लास भी स्टार्ट कराऊंगा बिल्कुल बिल्कुल सर। जहाँ पे। मैंने आपसे बहुत पहले बता चुका है कि पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत मैं क्लासेस फ्री कराता था, और उसके थ्रू हमारे पास बहुत सारे बच्चे अभी आ गए हैं, समथिंग 55 बच्चे हो चुके हैं। प्रोग्रेस है और सर की मेहरबानी है और उनके मार्गदर्शन है, जो कि जीरो से इतना तक मैं पहुंच चुका हूं, और सर का और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो और आगे जाएंगे और अपने फ्रेंड सबको भी ले जाएंगे। बहुत जल्द अपना एक और ब्रांच खुलने वाला है जो कि ऑनलाइन क्लासेस चलेगा चलिए, उसमें। इसके लिए थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक के बाद एक तरक्की कर रहे हैं। तो और हमें क्या चाहिए? बस हम लोगों को यही चाहिए कि बिल्कुल आप तरक्की करिए, बस उसी में मेरी तरक्की है। क्योंकि जब आप नहीं तरक्की करेंगे तो फिर मैं किस काम का, और जब मैं किसी काम का नहीं तो फिर मतलब समझ रहे कि ये पोजिशन जो हमने बना रखा है ये फिर बेकार हो जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे टच में है, टच मतलब क्या होता है, टच मतलब हमारे दिलों में जो बसा हुआ है ना, वही समझ सकता है कि मैं उनके लिए क्या हूँ। और बाकी तो लोग आते हैं जाते हैं, कुछ बोल करके चले जाएंगे, कुछ सुना कर चले जाएंगे, बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो बिल्कुल उसको इग्नोर करना पड़ता है। जब तक आप किसी के करीब नहीं आओगे तो आप उसके बारे में नहीं समझ सकते हो कि वो है क्या। अब मान के चलिए किसी ने आपको बोल दिया कि इस चीज को खाने में ऐसा लगेगा या फिर ऐसा है, तो जब तक आप उसको खाओगे नहीं तो आप उसके बारे में कैसे बता सकते हो। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, बट जो मेरे नजदीकी हैं, जो हमें करीब से जानते हैं, तो भाई ये समझ लीजिए कि जब हमने उनको पकड़ लिया है तो हम छोड़ने वाले नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक रहेंगे और जितना हो सकता है हम हेल्प करेंगे। और आप भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, बहुत पहले भी आपने बताया था कि लोकेशन आपने कैसा बोला था जो मुझे अभी तक दिमाग में बैठा हुआ है। क्योंकि हम लोग सब कुछ मेरे को पता होता है, लेकिन होता क्या है ना यहाँ पे कि जब अचानक से कोई बंदा अपने मन से ये बोल दे जो हम बोलना चाह रहे हैं, या हमें सोचे भी नहीं है कि हम अभी बताएंगे और वो आप बता दिए, कि हम ऐसा करते हैं कि खुद लोकेशन बन जाते हैं। अगर हम खुद लोकेशन जी बन जाएंगे, खुद पहचान बन जाएंगे, तो हमारे पास लोग पढ़ने आएंगे। हम क्यों, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि भाई उतने उतना दूर कौन पढ़ने जाएगा, है ना, उनका इंस्टीट्यूट गांव में है तो वहां कौन जाएगा, उनका इंस्टीट्यूट गलियों में है तो वहां कौन जाएगा। तो नहीं, आपका इंस्टीट्यूट कहीं भी रहे, अगर आप मतलब कि लोकेशन कहीं भी रहे, आप खुद का लोकेशन बना लीजिए। खुद का लोकेशन का मतलब खुद का ऐसा नाम बना लीजिए, खुद ऐसा काम करिए, ऐसा लोगों को पढ़ा दीजिए कि वो आपका नाम एक लोकेशन बन जाए कि ये सर पढ़ाते हैं और ये यहाँ पढ़ाते हैं, तो लोकेशन फिर कोई बिल्कुल सर, नहीं करेगा। तो ये चीज आपने बताया मेरे जो बोलने का मतलब यही था ना कि हम लोकेशन के पीछे क्यों भागे, लोकेशन हम खुद क्यों ना बन जाए, यही था सर। और इस पे मैं काम कर रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो साथ में मिलके और आगे प्रोग्रेस करेंगे और एकदम होगा। मजबूती क्योंकि देखिए, मैंने करेंगे। पहले भी बोला था कि हम अपना भविष्य तो बदल नहीं पाए, क्योंकि भविष्य जो है ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन नहीं है, ये चीजें गलत तब होती है जब हम मेहनत करते हैं। क्योंकि मेहनत करने, जैसे ही आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो जितना भी चीजें गलत हो जाता है, गलत साबित कर दोगे आप, तो वही होता है कि हम अपनी भविष्य तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें, अपनी जो रूल्स है, रूटीन से, उसको अगर हम बदल लेंगे तो रियली है कि हम भविष्य बदल सकते हैं, कि भविष्य हमारे हाथ में है। हम तो एक मार्गदर्शक है जो आपको बता रहे हैं,
लेकिन करना तो आपको है। कई सारे ऐसे लोग होते जो इम्प्लीमेंट नहीं करता। जस्ट कल हमने कमेंट पढ़ा था, एक कमेंट आया था, सर जो आप ईबुक बनाते हो वो फ्री क्यों नहीं देते हो? तो मैंने जवाब नहीं दिया। एक बंदे ने कमेंट करा था कि जो ईबुक आप बना रहे हो, जो नोट्स बना रहे हो, वो हल्के में ले रखा था, फ्री क्यों नहीं देते हो? तो हमने जवाब नहीं दिया, बल्कि किसी और ने जवाब दिया है। उन्होंने क्या बोला आप समझिए, इंडिया में लोगों को यही चाहिए। इंडिया के जो लोग होते हैं ना, जुगाड़ू होते हैं, वो किसी ना किसी रूप में चाहते हैं कि मुझे फ्री मिल जाए। लेकिन इससे ज्यादा लोग पैसे किसी और चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं, 100 रुपया कहीं और लगा देते हैं, लेकिन इसके प्रति जो जिसका जिसको यूज करके आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन पे पैसे लगाना चाहिए, बल्कि वो आप वहां ना लगाकर कहीं और लगा रहे हो और आप कह रहे हो फ्री दे दो। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अगर इस चीज को आपको इग्नोर करना होगा, आपको जितना ज्यादा हो सके आपको एजुकेशन पे पैसे लगाना होगा, चाहे आप बच्चों को पढ़ाने के प्रति लगा रहे हैं या खुद पढ़ने के प्रति लगा, आप लगाइए, वो आपको करोड़ों में रिटर्न देगा। कभी आपको डरना नहीं है और ना झिझकना है कि हम 200 रुपये लगा दिए, कभी नहीं झिझकना है आपको। एजुकेशन में लगा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और हम आपको पहले ही बोले थे, अभी बोल रहे हैं, प्रतिदिन आप 1 घंटा समय दीजिए अपने इंस्टीट्यूट के प्रति कि ग्रो कैसे करें। ऐसे आज एक बात हम बताते हैं आपको, जब आपके ऊपर कुछ मतलब ऐसा विपत्ति आता है, कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप सोचने लगते कि नहीं, बैठ करके घर में बैठ करके सोचने लगते कि नहीं लगता, पता है मुझे? तो यही काम आपको प्रतिदिन करना है। 1 घंटे आप सोचिए कि कैसे, आज 10 बच्चे हैं, कल 20 बच्चे कैसे आए, परसों 30 बच्चे कैसे आए, मतलब कैसे हम ग्रो करते रहे। और एक चीज आपको करना है, एक चीज आपको अब करना है,